अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सपा नेता का बड़ा बयान, कोरोना को लेकर किया बड़ा खुलासा। सपा नेता के बयान से मचा सियासी बवाल, बीजेपी ने साधा सपा पर निशाना। उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के करीब 50,000 एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और सरकार इसको काबू में करने का दावा कर रही है। ऐसे में सपा नेता के एक बयान ने कोरोना पर हो रही सियासत को नया रंग दे दिया और सपा नेता के बयान पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। सपा नेता ने जो कहा उससे बीजेपी भी तैश में दिखाई दे रही है और बीजेपी ने भी सपा पर पलटवार किया है। सपा नेता का कोरोना पर दिया गया अजीबोगरीब बयान चर्चा में है। दरअसल समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने कहा है कि कोरोना एक महामारी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। लोगों की मौत कोरोना से नहीं हो रही बल्कि अन्य बीमारियों से हो रही है। प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने अयोध्या पहुंचे चौधरी लोटन राम निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कोविड-19 को एक बुखार की संज्ञा देते हुए कहा ये वायरस बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा कि ये कोरोना एक आम बीमारी है, ये आम बुखार की तरह है। वैसे भी सरकार अस्पताल में क्या दवा दे रही है, केवल पैरासीटामोल और गर्म पानी पिलाया जा रहा है। ये चीज़ें तो हम घर पर भी कर सकते हैं, इसलिए लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस की आड़ में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चौधरी लोटन राम निषाद क्या क्या कह गए इसका शायद उनको भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन कोरोना से मरने वालों की अखिलेश यादव ने कितनी और कब आर्थिक मदद की है ये जिक्र करना उन्हें बखूबी याद रहा। चौधरी लोटन राम निषाद के बयान के बाद बीजेपी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारे पर उनके नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि खुद सपा के कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और ऐसे हालात में बयानबाजी करना साफ बताता है कि प्रदेश के लोगों की चिंता सपा को कतई नहीं है। वहीं सपा नेताओं ने कहा कि चिंता की बात बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि खुद बीजेपी अपने नेताओं और मंत्रियों की चिंता नहीं कर पा रही है, उनको कोरोना से नहीं बचा पा रही है और दो मंत्री कोरोना से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी से जंग हार गए। ऐसे में बीजेपी को लोगों की चिंता की बात कहना बेमानी साबित करता है। सपा की तरफ से जो आरोप लगाए गए उन पर बीजेपी तैश में है और सपा भी लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है। देखना यह है कि आगामी भविष्य में ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति क्या गुल खिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।